रामायण और कई पुराणों में शेषनाग जी का वर्णन विस्तार से दिया गया है। जब इन्हें ही संकर्षण कहा जाता है तो लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि वास्तव में संकर्षण कौन है, क्या संकर्षण और शेषनाग दोनों एक है, रहस्य क्या है। तो आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भगवान नारायण की सहायता करने के लिए और उनकी लीलाओं में सहयोग करने के लिए शेषनाग समय समय पर पृथ्वी पर भगवान विष्णु के साथ अवतरित हुए हैं। त्रेता युग में इन्होंने लक्ष्मण जी के स्वरूप में अवतार लिया था और रावण आदि असुरों का नाश करने में श्री राम की सहायता की थी। जबकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहयोग देने के लिए इन्होंने श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के स्वरूप में अवतार लिया। बलराम जी के जन्म समय माता देवकी के सप्तम गर्भ को योग माया ने संकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचाया था। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के स्वाति नक्षत्र में माता रोहिणी के गर्भ से अनंत शेषावतार बलराम जी का अवतरण हुआ। बलराम जी के जन्म के समय 5 ग्रह उच्च कक्षा में थे। इस समय आकाश से छोटी छोटी वर्षा की बूंदों के साथ साथ देवताओं के द्वारा पुष्प की वर्षा भी हो रही थी। कई पुस्तकों में ऐसा वर्णन दिया गया है कि शेषनाग भगवान विष्णु के ही अंश हैं। परंतु अगर इसे अलग अलग समझा जाए तो शेषनाग बलराम जी के स्वरूप में अवतरित हुए, योग माया के द्वारा उन्हें संकर्षित करके माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया। अतः बलराम जी संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध हुए। और क्योंकि बलराम जी शेषनाग के अवतार है, इसीलिए शेषनाग और संकर्षण दोनों एक ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में सुखदेव जी के द्वारा शेषनाग जी का विवरण दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला विद्यमान है। 5 रात्रि आगम के अनुयायी भक्त जन इन्हें संकर्षण के नाम से जानते हैं। इनके 1,000 मस्तक है और उनमें से एक पर रखा हुआ ये सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। इसी के साथ ही पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ के विविध दिशा निर्देश बताए गए हैं। इसी में ये वर्णन भी दिया गया है कि किस दिशा में किस कोण में भगवान शंकरशर का स्थान है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वैकुंठ धाम में दिशा निर्देश किस प्रकार से है, किस दिशा में और किस कोण में क्या मौजूद है, तो इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हमने जानकारी दी कि भगवान शंकर शरण कौन है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फोओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।